दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी चीज़ जो भगवान को दान करने से जीवन में सभी प्रकार की टेंशन दूर हो जाती है और जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही होती हैं वह भी दूर हो जाती हैं। वराह पुराण में इस चीज़ के बारे में बताया गया है, काफ़ी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी आपको कोई टेंशन होती है या कोई समस्या होती है या आपके दुश्मन आपको कुछ बोलते हैं, तो दोस्तों उसको बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे अपने दिमाग में रखेंगे तो इससे आपकी आने वाली जिंदगी प्रभावित होने लगेगी। अगर आपको कोई बुरा बोलता है या आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपको वह बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरा दिन दिन रात आप उसी बारे में सोचते रहेंगे, जिससे आपके कार्य पे असर पड़ सकता है। अगर आपका दिमाग सही नहीं होगा तो आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई दुश्मन आपको कुछ बोलता है तो आपको एक कान से सुनना चाहिए और दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। जीवन में किसी प्रकार की समस्या होने से आपके कार्य पर तो असर पड़ता ही है, और उसके साथ ही अगर आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजें होने वाली होती हैं तो वह भी नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की जरूरत है, और ऐसा जब ही संभव है जब आप अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाएंगे। तो दोस्तों, वराह पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु को मधुपर्क चढ़ाने से, अर्पित करने से जीवन में कोई भी दुख नहीं आता है। अगर उसके जीवन में कोई समस्या उत्पन्न भी होती है तो वह उन चिंताओं से मुक्त रहकर जीवन व्यतीत करता है। सभी सुख साधनों से भरपूर उसका जीवन होता है और सांसारिक सुख भोगने के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अगर आप रोज मधुपर्क को भगवान विष्णु पर अर्पित करते हैं तो इसके बड़े ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। बड़ा ही प्रभावशाली और आश्चर्यजनक परिणाम देता है यह प्रयोग। मधुपर्क के बारे में काफी लोग नहीं जानते हैं, तो मधुपर्क किस प्रकार बनाते हैं? गूलर की लकड़ी के बर्तन में शहद, दही और घी को एक समान मात्रा में मिलाकर मधुपर्क बनाया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, जिस बर्तन में आप यह सब चीजें मिलाएंगे वह गुलर की लकड़ी का बर्तन होता है, और उसमें शहद, दही और घी को एक समान मात्रा में मिलाया जाता है। इस प्रकार मधुपर्क बनाया जाता है, और यह रोज आपको भगवान विष्णु पर अर्पित करना चाहिए और उसके बाद खुद खाना चाहिए। शहद की जगह पर गुड़ भी मिला सकते हैं। अगर आप रोज ऐसा करते हैं, भगवान विष्णु को अर्पित करके खुद भी खाते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है, और आपके जीवन में सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होती है। जितनी भी दुख और समस्याएं चल रही होती हैं वह तुरंत ही दूर होने लगती हैं और उनका आप पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। कई जगह पर पंचामृत को भी मधुपर्क कहा जाता है। पंचामृत का अर्थ है पांच अमृत को एक साथ मिलाकर बनाया गया अमृत, उसी को पंचामृत कहा जाता है। और इसको बनाने की भी विधि होती है, जो इन पांचों चीजों को एक साथ नहीं मिलाना होता है, इसमें विधि की जरूरत होती है जो काफी लोग नहीं जानते हैं। तो पंचामृत कैसे बनाना है आपको? आप एक बर्तन में दूध लेना है, और जितना आप दूध लेंगे उसी की आधा आपको दही लेना है, और जितना आप दही लेंगे उसका आधा आपको घी लेना है, और जितना आधा आप घी लेंगे उसका ही आधा शहद लेना है, और जितना आप शहद लेंगे उसका आधा आपको शक्कर लेना है। इसी प्रकार सभी चीजों को लेकर मिलाने से पंचामृत बन जाता है। यह विधि होती है पंचामृत बनाने के लिए, जो काफी लोग नहीं जानते हैं। काफी लोग सोचते हैं इन पांचों चीजों को एक साथ मिलाने से पंचामृत बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शुरुआत आपको दूध से करनी होती है और उसके आधे आधे करते हुए सभी चीजों को मिलाना होता है, जिस प्रकार हमने बताया है। तो ऐसे भी आप पंचामृत बनाकर भगवान विष्णु को अगर भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद आप खुद खाते हैं उसको, तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है, किसी भी प्रकार की समस्या और चिंता आपके जीवन में नहीं आती है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं, जिससे आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो वह कर पाते हैं। तो दोस्तों, जरूर इस विधि का प्रयोग करें और अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें। आशा करता हूं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के पास बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें। हमारा वीडियो आप लाइक और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके सभी मित्र भी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।